मटर की कचौड़ी तो बहुत बार खाए होंगे, पर आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब खाने के बाद ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो चलिए, हमारे किचन कुक विद गुड मूड में आप लोगों का वेलकम है और मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं 250 ग्राम मटर ली हूँ, थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक। तो पहले मैं मटर को घी में फ्राई कर लेती हूँ। सारे मटर को मैं थोड़ा सा ही घी डाली हूँ और डाल के मैं सबको फ्राई कर लेती हूँ। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी और सारे मटर को मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक को ग्राइंड कर लेती हूँ। ये भी ग्राइंड हो गया तो उसी में मैं मटर को भी हल्का दरदरा में पीस लूँगी। ज़्यादा नहीं, इसे बारीक करना है, एकदम दरदरा ही रखना है, जो उसमें से कुछ खड़े भी रह जाए और कुछ पीस भी जाए। तो इस तरह से मैं सारे मटर को पीस लेती हूँ। देखिए, इस तरह से करना है और इसी तरह से मैं सबको पीस ली हूँ। उसके बाद मसाले मैं तैयार कर लेती हूँ पहले ही। तो हल्दी पाउडर ले ली हूँ, उसके बाद मैं मिर्ची पाउडर में काश्मीरी मिर्च और तीखी मिर्च, मैं दोनों मिर्च ले लेती हूँ। गरम मसाला, धनिया पाउडर, काश्मीरी मिर्च, काला नमक, सादा नमक, कसूरी मेथी, सबको ले ली हूँ। अब इसको साइड करके मैं रख लेती हूँ। अब मैं पहले आटा लगा लेती हूँ। तो आधा मैं मैदा ली हूँ और आधा मैं आटा ली हूँ। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ आटा भी ले सकते हैं। उसमें मैं 3 से 4 चम्मच घी डाली हूँ। यदि कम लगा घी तो मैं और डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ और इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इसे मैं हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं मिला लेती हूँ। जब आटा बंधने लगे इस तरह से, तब मैं इसमें हल्का सा सुसुम पानी से मैं इसे आटे को लगा लूँगी और इसको मैं ना मैं सख्त लगाई हूँ और ना एकदम से सॉफ्ट, मैं मीडियम में इसे सान के अच्छे से गूँद के रख ली हूँ। अब मैं 2 चम्मच इसमें घी डाल दी हूँ। घी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा मेरा तरक गया है तो इसमें मैं 2 चुटकी हींग डाल देती हूँ। हींग डालने के बाद मैं सारे इसमें मसाले डाल देती हूँ। फ्लेम को मैं एकदम से लो रखी हूँ और मसाले को मैं इसमें भून लेती हूँ। अच्छे से इसे भूनना है। भूनने के बाद इसमें मैं या तो आप बेसन डाल सकते हो या तो मैं इसमें मकई का आटा, इसमें मैं मकई का आटा 4 से 5 चम्मच डाली हूँ। आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन बेसन को आपको अच्छे से भूनना है क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसमें मैं सारे पिसे हुए धनिया पत्ती और मिर्ची का पेस्ट डाल दी हूँ और मटर भी उसमें डाल दी। उसके बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
अब देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब ठंडा हो जाएगा तो फिर से मैं आटे को गूँथ लेती हूँ। गूँथने के बाद मेरा देखिए ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे एक एक लोई बाउल बना लेती हूँ। छोटा छोटा बाउल बना के मैं रख लेती हूँ ताकि मुझे भरने में आसानी हो। इस तरह से छोटा छोटा बाउल बना के मैं रख लेती हूँ। अब मैं एक लोई ले ली हूँ, उसको मैं गोल कर ली हूँ और उसमें मैं एक बाउल को भर ली हूँ। भरने के बाद इसका मुंह को मैं अच्छे से बंद कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं निकाल लूँगी। और इसे मैं ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, इस तरह से मैं पूरी हाथ के सहारे में दबा दबा के फैला लूँगी। तो मैं सबको पहले भर लेती हूँ। बीच में मेरी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा धुंधला आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से मैं सारा भर लेती हूँ। भरने के बाद मैं फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देखिए ना ये मोटा है और ना ही पतला, मैं इस तरह से हाथ से दबा दबा के इसे फैला ली हूँ। फैलाने के बाद मैं इसे एकदम से हल्के गरम तेल में इसे मैं डालती हूँ। तेल भी ज़्यादा नहीं लेना है, मैं तेल ज़्यादा नहीं लेती हूँ ताकि वो जला हुआ तेल ना बचे। और इसे एकदम लो फ्लेम में ही धीरे धीरे करके तलेंगे। ये बहुत ही खास्ता बनती है और इसे आप 3 से 4 दिन रख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप होली में इसे बना लीजिए एक दिन पहले और मेहमान को सर्व कीजिए। देखिए कितने अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसका अच्छा कलर आएगा तो मैं थोड़ा देर और सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं सबको निकाल लूँगी। सबका कलर अच्छे से आ गया है। अब मैं निकाल लेती हूँ। ये कभी भी बैठेगा नहीं, ये फुला हुआ ही रहेगा और बहुत ही खास्ता ये होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो मैं प्लेट लगा लेती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ ये अंदर से कितने अच्छे चारों तरफ से इसके मटर फैले हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये फूले हुए हैं, एकदम से खास्ता ये बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिल